हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप सब का वेलकम है मेरे चैनल पे। तो मैं आज आई हूँ वीवीपुरम स्ट्रीट फूड। पूरा यहाँ पे आपको मिलेगा, खाऊ गली भी से बोलते हैं। बहुत से लोग बेंगलोर आते हैं और यहाँ के लिए ही आते हैं कि यहाँ का फूड इंजॉय कर सकें। तो अगर आप लोग बेंगलोर आए और आप लोग ने वीवीपुरम में नहीं खाया है तो बहुत ही बेकार है। आप लोग एक बार जाइए और वीवीपुरम में पूरा फूड इंजॉय करिए। बहुत ही अलग अलग टाइप का फूड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, स्ट्रीट फूड। और नॉर्थ इंडिया का फूड यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, साउथ का भी मिलेगा, नॉर्थ का भी मिलेगा और कुछ मिक्स भी मिलेगा। तो आप लोग जाइए और ज़रूर इन्जॉय करिए। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिए वीडियो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को मिला है पूरा डेकोरेशन का सामान, मतलब जो आप लोग घर में डेकोरेट कर सकते हो वो सब मिल रहा है। बच्चों के कुछ टॉयज़ मिल रहे हैं यहाँ पर। और खाने पीने का तो आइटम मिलता ही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मशहूर है वीवीपुरम। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और बहुत सारी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर वीवीपुरम की। तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँ आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ ज्वेलरी टाइप भी मिल रहा था पैर में पहनने के लिए, पायल टाइप, और इयररिंग्स वगैरह भी यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे बैंगल बॉक्स होता है, ज्वेलरी बॉक्स होता है, वो सब भी यहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे घर में डेकोरेशन के लिए भी कुछ आइटम मिल रहे थे, जैसे आप ये लैम्प देख सकते हो, बॉटल लैम्प, ये कुछ चीज़ें हैं डेकोरेशन की, तो ये सब यहाँ पे मिल रही थी। तो मैंने कहा वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं, खाना पीना भी शेयर करेंगे और ये भी शेयर कर देते हैं। तो आप मेरी वीडियो फुली वॉच करिएगा, बिना स्किप करे, तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टॉयज़ मिल रहे हैं बच्चों के लिए, जैसे खासकर बच्चे हमारे साथ जाते हैं खाने पीने के लिए तो उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो और खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी मिल रहे हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, ज़्यादा हाई फाई प्राइस नहीं था फ्रेंड्स। और खाने पीने का प्राइस भी मैं कहूँगी मैक्सिमम था, ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल ठीक था। और यहाँ से खाने पीने का आइटम शुरू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पानी पूरी, चार पांच तरह के पानी आपको मिल जाएंगे, काटी रोल मिल जाएगा, 99 वैरायटी का डोसा मिल जाएगा, और पोटैटो चिप्स आते हैं, वो पोटैटो रोल टाइप जो चिप्स आते हैं उसका नाम मुझे पता नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया फ्रेंड, बहुत पसंद आया, तो वो मैंने ट्राई किया, वो बहुत अच्छा लगा। छोले भटूरे मिलेंगे, चाउमीन मिलेगी, नूडल्स मिलेंगे, मंचूरियंस मिलेंगे, अलग अलग टाइप के, तो बहुत कुछ आपको खाने को मिल सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग ने ट्राई किया फर्स्ट टाइम, ये पोटैटो रोल कुछ टाइप है, पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसे भटूरा फूल रहा है। तो यहाँ पे भटूरे का आइटम भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने भटूरा नहीं खाया क्योंकि मैं खुद घर में बना के खाती हूँ, मुझे अपने हाथ का बहुत पसंद है, तो मैंने कहा भटूरा नहीं खाते, ऐसा कुछ खाते हैं जो हमने पहले नहीं खाया है वो ट्राई करते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं का रोल टाइप, वो जो आलू का रोल आता है ना वो ले रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे फंसी के फ्रेंड आए थे साथ में, उनके वाइफ हमारे साथ आए थे, तो और मज़ा आया, हम लोग सब लोग मिलके कुछ खूब सारी चीज़ें इंजॉय करी नई नई टाइप की। तो देखिए वीडियो में बने रहिए आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो हाथ में पकड़े हैं, फर्स्ट आइटम हम लोग ने यही ट्राई किया था। उसके बाद यहाँ देखिए अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और कुछ देखिए वुडन का आइटम भी मिल रहा था यहाँ पे, वुड का डेकोरेशन का। और इनसे मिलिए, ये मेरे जो हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड की वाइफ है, मेरे भी अच्छे फ्रेंड हैं, मैं भी उनसे मिलती हूँ तो बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग चारों लोग गए थे वीवीपुरम कुछ फूड ट्राई करने, मैं भी यहाँ पे पहली बार आई थी स्ट्रीट फूड खाने, और बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ पे हम लोग को आइटम्स मिले खाने के लिए और बहुत अच्छा लगा, साथ में बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करा जाए, यहाँ पे नाइट्रोजन चॉकलेट्स मिल रहे थे, मतलब वेफर वाले जो चॉकलेट्स आते हैं वो मिल रहे थे नाइट्रोजन, तो उसको अगर हम लोग ने ट्राई किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा फ्रेंड्स। इसको क्या कराना, मैंने जैसे ही मुँह में डाला मेरे मुँह में चिपक
पक गया वो, और फिर बाद में डाला तो आदत हो गई, लेकिन बहुत अजीब लगा फर्स्ट टाइम मुंह में डालते ही चिपक गया, धुआं निकलता है, ठंडा ठंडा लगता है। तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, मैं बोलूँगी, लेकिन मुझे तो वेस्ट ऑफ मनी लगा। 150-200 रुपये में छोटा सा कप देते हैं, 5-7-8 टुकड़े होते हैं उसके अंदर, और बस मुँह में डालो और थोड़ा धुआँ निकलता है, ऐसा है, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी लगा, मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगा ये। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है आपको ट्राई करके दिखाएंगे, देख सकते हैं आप लोग ट्राई कर रहे हैं वो, और बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। देखिए ऐसे धुआं निकलता है मुंह से, तो इसको डालने से, और फंसी भी अब ट्राई करेंगे, और फंसी का भी एक्सपीरियंस ऐसे ही था, उनको भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था मुंह में डालते हुए इसको, क्योंकि मेरे मुंह में ही चिपक गया था ना वो, तो बहुत अजीब फील हो रहा था। देखिए ऐसा धुआं निकलता है, फंसी का ज़्यादा धुआं नहीं निकल रहा है। तो फ्रेंड थर्ड आइटम जो हम लोग ने ट्राई किया वो इडली थी, वो बहुत ही मशहूर इडली, बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट इडली थी, मैंने पहली बार खाई, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मतलब पहले खा चुके, लेकिन यहाँ की इडली बिल्कुल डिफरेंट थी जो मैंने खाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी खाने में। और यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी ट्राई की, रोल कुल्फ़ी और मिक्स फ्रूट वाली कुल्फ़ी, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये लिक्विड होता है, ये आइस के ऊपर डालते हैं और उसके बाद उसको ऐसे घिस के देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ट्राई करके। और अलग अलग टाइप के आइसक्रीम्स वगैरह भी यहाँ पे थे, रोल आइसक्रीम भी आपको मिल जाएगी, जो ऐसा लिक्विड डाल के रोल बना के देते हैं ना, वो भी मिल जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा है, रात के बज रहे हैं 11 और रश इतना ज़्यादा था यहाँ पर, कुछ बोल नहीं सकती मैं, बहुत ज़्यादा रश था फ्रेंड्स। और खाने पीने के आइटम में वैसे भी रश रहता ही, और यहाँ का तो खाना बहुत ही टेस्टी था, स्ट्रीट फूड जो था ना, हर आइटम बहुत टेस्टी था फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हम लोग ने लिया था आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी थी, हम लोग ने ट्राई करी, बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग ने ट्राई किया यहाँ पे गोला, काला खट्टा गोला, जो आप लोग को पता होगा जिसने पहले कभी खाया है। मैंने तो यहाँ पे बहुत सालों के बाद बैंगलोर में इसको ट्राई करा और बहुत ही मज़ा आया, मुझे सबसे फेवरेट आइटम मेरा यही था, मुझे बहुत अच्छा लगा काला खट्टा। और इसके ऊपर जो वो मसाला डाल के देते हैं ना, तो और भी मज़ा आ जाता है, लेकिन मेरे में मैंने नहीं डलवाया था। तो ये ट्राई किया मैंने, वो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही मज़ा आया था फ्रेंड्स खा के इसको, बहुत सालों के बाद मैंने ट्राई किया, खट्टा खट्टा सा था, बहुत ही अच्छा था। तो ये मैंने यहाँ पे खा के ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग अगर वीवीपुरम जाते तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेकमेंड स्टेशन से, कि ये काला खट्टा गोला आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है खा के। और यहाँ पे एक और आइटम था पानी पूरी, उसको क्या करते हैं ना, चीज़ वगैरह डाल के देते हैं ऐसा ऊपर से फायर लगा के, तो ये भी आइटम था यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग ने ट्राई किया यहाँ पे वड़ा पाव, और वड़ा पाव तो इतना अच्छा था ना फ्रेंड्स, लाल चटनी हरी चटनी लगा के बॉम्बे पाव वड़ा अड्डा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ का वड़ा पाव हम लोग ने ट्राई किया था, बहुत ही मज़े का था फ्रेंड्स। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग टाइप की आइसक्रीम ट्राई करी, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। और यहाँ पर मैं फिर जाऊँगी, मुझे ये यहाँ का माहौल और यहाँ का खाना बहुत ही पसंद आया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, रात के बज गए हैं 12, और यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं आप लोग कितने लोग हैं, रश थोड़ा कम हो गया है लेकिन अंदर देखिए कितना रश है, रात के 12 बज रहे हैं और अभी भी इतना रश है। और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके, खाना पीना भी बहुत अच्छा था, हर एक एक आइटम जो मैंने यहाँ पर ट्राई किया बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग को जाते जाते आगे यहाँ पर जलेबी दिख गई, तो जलेबी भी हम लोग ने ट्राई की, वो आगे आपको दिखाऊँगी मैं, गरमा गरम जलेबी। और यहाँ पे देखिए कुछ आइटम थे, मतलब बच्चों के लिए ये टॉयज़ वगैरह थे, और कुछ जैसे कैप वगैरह होती है ना बच्चों के लिए, वो सब यहाँ पे आइटम थे बहुत ही अच्छे। तो जाते जाते मैंने सोचा ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और ये क्या चीज़ है इसका मुझे मालूम नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा। ये बड़ा सा होता है, कुछ काट के देते हैं वो छोटा छोटा, मुझे पता नहीं है वो होता क्या है, मैंने कभी खाया भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा इसे। और यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, तो यहाँ पर हम लोग अब गर्मा गर्म जलेबी ट्राई करेंगे। और बहुत ही अलग अलग आइटम यहाँ पर मिलते हैं, तो ये सब आइटम आप लोग यहाँ पर आ कर ट्राई कर सकते हैं, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी, तो वो भी हम लोग ने ट्राई करी, और इसके साथ अगर दही मिल जाता ना तो और मज़ा आ जाता, लेकिन ये सब दही और जलेबी तो लखनऊ में ही मिलती है सुबह सुबह नाश्ते में, गर्मा गर्म बात ही कुछ होती है अलग। और यहाँ पे देखिए दूध मिल रहा था, केसर दूध गर्मा गर्म पका हुआ गाढ़ा गाढ़ा केसर दूध, उसके ऊपर ये मलाई डाल के देते हैं, तो वो भी यहाँ पे मिल रहा था। और खस्ता कचौड़ी ये सब भी यहाँ पर मिलता है, तो बस ये सब आइटम हम लोग ने यहाँ पर ट्राई करे और बहुत मज़ा आया। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। फिर मिलूंगे एक नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।